प्रदेश में लंबे समय बाद कांग्रेस की सरकार आने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने क्षेत्र छिंदवाड़ा में यूनिवर्सिटी बनाई थी, जिसमें बैतूल जिले के सभी शासकीय अशासकीय महाविद्यालय को जोड़ा गया था। यूनिवर्सिटी बनते ही बैतूल जिले के छात्र छात्राओं द्वारा इसका पुरजोर विरोध किया गया, जिसके बाद विश्व में सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा लगातार राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय के रवैये के खिलाफ कॉलेज परिसर हो या रोड पर आकर बड़े बड़े आयोजनों के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय से बैतूल जिले को हटाकर पुनः बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में जोड़ने की मांग तेज हुई। इसके बाद अल्प समय की कांग्रेस सरकार बदली और प्रदेश में फिर से भाजपा सरकार काबिज हुई, जिसके बाद भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा लगातार बैतूल जिले को बीयू में जोड़ने के लिए क्रमबद्ध धरना प्रदर्शन आंदोलन ज्ञापन सौंप कर अपना विरोध जताते रहे। नगर मंत्री मोनू सराठी ने बताया कि छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी द्वारा छात्र छात्राओं से अनावश्यक शुल्क वसूलना और महंगी फीस, समय पर मार्कशीट का न आना आने ऐसी यूनिवर्सिटी की नीतियों से जिले के छात्र काफी निराश थे। राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय बरकतुल्ला विश्वविद्यालय की अपेक्षा अत्यधिक फीस ले रहा था, जिसका विरोध करने पर भी यूनिवर्सिटी द्वारा कोई राहत छात्रों को नहीं दी गई। अपने रवैये के चलते यूनिवर्सिटी हमेशा सुर्खियों में रही। लंबे संघर्ष के बाद कैबिनेट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय से बैतूल जिले के सभी शासकीय अशासकीय महाविद्यालय को हटाकर बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में जोड़ने का निर्णय लिया गया। सीएम के इस फैसले से छात्र संगठन एवं छात्र छात्राओं में काफी हर्ष व्याप्त है। पुनः बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से बैतूल जिले के समस्त कॉलेजों को जोड़े जाने के उपलक्ष्य में शासकीय महाविद्यालय सारणी में मिठाई एवं फटाखे फोड़कर उत्साह मनाया गया। बता दें कि पिछले 2 वर्षों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला बैतूल लगातार संघर्ष कर रहा है, जिसकी कल के शिवराज कैबिनेट में भारतीय विद्यार्थी परिषद सारणी द्वारा शासकीय महाविद्यालय सारणी में मिठाई एवं फटाखे फोड़कर उत्साह मनाया गया।